हेलो दोस्तों, मैं नीलम राय अनमोल रेसिपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ करौंदे का मुरब्बा। ये मुरब्बा बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत कम टाइम में इसको हम बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके फ़ायदे तो इतने हैं कि पूछिए ही मत। बच्चों की याददाश्त के लिए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए तो ये कैंसर से भी हमें बचाते हैं, इसीलिए हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और दोस्तों, आप लोगों का साथ और मेरा विश्वास जुड़ा हुआ है इस चैनल के जरिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइए कि मेरी हर रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए मुरब्बा बनाना हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं करौंदे का मुरब्बा। ये करौंदे कितने फ़ायदेमंद होते हैं दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं। इसको हम इस तरह से लेकर आए हुए थे जब ये वाइट वाइट थे और हल्का हल्का पिंक था। इसको हमने एक नाइट के लिए रख दिए थे, तो देखिए ये पक्का थोड़ी इस तरह हो गए हैं। ये रेड रेड, ये बहुत से कलर के आते हैं, ग्रीन कलर के भी आते हैं और इस तरह से वाइट कलर के भी आते हैं और ये रेड कलर के भी आते हैं। ये मुरब्बा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, दिमाग को भी तेज करता है, बहुत सारे कैंसर से भी हमें बचाता है। तो इसको हम हो सके तो सीजन में बहुत ज़्यादा यूज़ करें। इसके चटनी बनती है, अचार बनती है, जैम बनता है। तो आज हम बनाने वाले हैं इसका मुरब्बा। तो इसको हमने बहुत अच्छे से धुल के साफ कर लिया है और ये फोक की सहायता से इसमें हल्का हल्का इस तरह से छेद कर लिया है। यदि आपके पास टूथपिक हो तो उससे भी आप इसमें छेद कर सकते हैं। इसको इस तरह से हमने सारों में छेद करके रख लिया है। तो इसको अब हम बॉइल करेंगे। आज हम बनाने वाले हैं करौंदे का मुरब्बा। इसको ग्रैंड बेरी भी बोलते हैं। ये बहुत टाइप की आती है, ग्रीन कलर की भी आती है, ये देखिए व्हाइट और पिंक में भी आती है और ये रेड में भी आती है। ये हमने एक नाइट के लिए रख दिए थे तो ये देखिए इस तरह से रेड रेड हो चुकी है। इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं दोस्तों, यकीन मानिएगा। इसको खाने से हमारा दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज होता है, मेमोरी बहुत अच्छी रहती है इसको खाने से, और पेट में भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। इससे कैंसर से भी बचने के बहुत सारे फायदे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और इसको हम बच्चों को खिलाने के लिए बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, इसका जैम भी बनता है, लेकिन आज हम इसका मुरब्बा बनाने वाले हैं। तो इसको हमने बहुत अच्छे से धुलकर साफ कर लिया है और एक नुकीली चीज से हमने इसमें हल्का हल्का छेद कर लिया है। अब हम इसको बॉईल करेंगे, तो चलिए हम इसको बॉईल कर। देखिए दोस्तों, हमारा पानी एकदम बॉईल होने लगा है। अब हम गैस बंद कर देंगे और ये करौंदे को हम इसमें डाल देंगे। बस ओनली एक मिनट के लिए इसमें हमें रखना है, क्योंकि हम चास्टी में भी ये पकेंगे, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ध्यान ये जरूर रखिएगा कि इसको ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, बहुत जल्दी हमें इसमें से निकाल लेना है। ओनली एक मिनट या दो मिनट के लिए छोड़ना है। तो ये देखिए, ये हमें ये नहीं देखना कि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जब ये चास्टी में डालेंगे तो ऑलरेडी बहुत जल्दी सॉफ्ट होते हैं। बस ओनली दो मिनट के लिए छोड़ना है और इसको हमें स्ट्रेनर की सहायता से निकाल देना है। इस तरह से इसको निकाल लेना है। बस ओनली दो मिनट के लिए हमने इसको छोड़ा हुआ था। बस अब हम इसकी चाशनी बनाते हैं। अब हमें गैस ऑन करना है, एक कढ़ाई लेना है, उसमें जो हमारे जितने करौंदे हैं उतने ही बराबर इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे और इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे, सिर्फ चाशनी मेल्ट होने के लिए। बस इसी इस तरह हम चाशनी को बहुत अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जितने हमारे करौंदे हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी शक्कर है। बस इसको अब मेल्ट होने देते हैं दो मिनट के लिए। ये देखिए दोस्तों, हमने स्लो गैस में मीडियम आंच में इसको 15 मिनट तक बहुत अच्छे से इसको मेल्ट कर लिया है। हमारी जो शक्कर थी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गए। अब हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि हमारी चाशनी एकदम एक तार की हुई है रही इस तरह से। ये देखिएगा, एक तार की चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी। जब हमारे इस तरह से करें तो ये खिंचने लगता है, तब हम इसमें करौंदे ऐड करेंगे। इसको भी हम इसी तरह दो मिनट के लिए इसी में हमें पकाना है इसको, ताकि जो हमारी चाशनी है वो अंदर तक। बस ओनली ध्यान ये रखें कि एकदम स्लो गैस में इसको हमें पकाना है। देखिए
हमारे करौली को बहुत अच्छे से चाशनी में अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगी। चाशनी जो करौंदे हम साल भर तक हमारे करौंदे को कुछ भी नहीं होगा। इसको बच्चे बहुत इंटरेस्ट से खाते हैं, बच्चे बड़े सभी बहुत अच्छे से खाते हैं, ये फायदे भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए हम इसको अलग अलग तरीके से बना के खिलाएँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे एकदम पककर तैयार हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे, स्लो गैस में हमने इसको पकाया था। थोड़ा सा इस तरह से इसको छू के देख लीजिएगा, एकदम ये सॉफ्ट हो गए हैं। बस इसी तरह हम इसको ठंडा हो जाने देंगे। जो चाशनी का कलर है वो देखिए, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, जो ये जो हमारे पिंक पिंक रहते हैं करौंदे, इसका कलर हल्का हल्का चाशनी में निकल जाता है। तो ये देखिए, ये बनकर पूरा तैयार हो चुका है, ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको दूसरे कांच के कंटेनर में इसको रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे करौंदे एकदम ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसमें कांच के कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे और एक लंबे से जार में इसको भर कर रख देंगे, तो आराम से ये हमारा साल भर तक खा सकते हैं। इसको खाने के साथ बच्चों को दीजिएगा, बहुत इंटरेस्ट से इसको खाते हैं।